हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जगविंदर है। आइए ये सीरीज के इस वीडियो में हम जानते हैं वेबसाइट्स और साइट बाइंडिंग्स के बारे में। वेबसाइट्स एक ऐसे कंटेनर या फोल्डर की तरह हैं जो वेब कंटेंट का एक्सेस प्रोवाइड करती हैं। वेब कंटेंट एक या कुछ पेजेस से लेके हजारों पेजेस तक हो सकता है। वेबसाइट इस वेब कंटेंट के लिए फ्रंट एंड का काम करती हैं और ये जरूरी है कि हर एक वेबसाइट सर्वर पर किसी फिजिकल लोकेशन या पाथ से मैप हो और जनरली उस पाथ में उस रूट फोल्डर तक पहुंचने का रास्ता होता है जहां सारा का सारा कंटेंट पड़ा होता है, ताकि यूजर्स जब वेबसाइट पर आए तो इस वेब कंटेंट को यूज कर सकें। चलिए अब इसके बाद जानते हैं वेबसाइट बाइंडिंग्स के बारे में, यानी कि हम वेबसाइट कॉन्फ़िगरेशन कैसे कर सकते हैं। वेबसाइट कॉन्फ़िगर करने का मतलब है उन प्रोटोकॉल्स, पोर्ट्स, आईपी एड्रेसेस और ऐसे ही सेटिंग्स को स्पेसिफाई करना जो कि वेब सर्वर के साथ कनेक्ट होने में यूज होंगी, यानी कि कौन सा प्रोटोकॉल और कौन सा पोर्ट नंबर को यूज करके वेबसाइट से कनेक्ट हुआ जा सकता है या वेब सर्वर का क्या आईपी एड्रेस है। इन सब सेटिंग्स को आप साइट बाइंडिंग से स्पेसिफाई करते हैं। जो सेटिंग्स आप साइट बाइंडिंग से स्पेसिफाई कर सकते हैं वह आपको आपके स्क्रीन पर दिख रही हैं, जैसे कि टाइप, आईपी एड्रेस, पोर्ट और होस्ट नेम। और यहाँ पे मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि ये साइट बाइंडिंग सेटिंग हर एक वेबसाइट के लिए यूनिक होनी चाहिए, यानी कि अगर आपने एक कॉम्बिनेशन एक वेबसाइट के साथ बाइंड कर दी है तो वही कॉम्बिनेशन ऑफ सेटिंग्स आप दूसरी वेबसाइट के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। चलिए इन्हें एक एक करके जानते हैं ताकि आपको इसकी और ज्यादा क्लैरिटी हो। तो हम शुरुआत करते हैं टाइप से। टाइप ये स्पेसिफाई करता है कि यूजर्स वेब सर्वर के साथ किस प्रोटोकॉल को यूज करके कनेक्ट होंगे, और बाय डिफॉल्ट दो ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं और आप सभी फेमिलियर होंगे। या तो ये HTTP सेटिंग हो सकती है या फिर HTTPS जो कि सिक्योर मानी जाती है। इन प्रोटोकॉल्स को यूज करके आप वेब सर्वर्स के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। साइट बाइंडिंग्स में जो दूसरी सेटिंग हम करते हैं वो है आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस या एड्रेसेस उन एड्रेसेस को स्पेसिफाई करते हैं जो हमारे वेब सर्वर्स के ऊपर कॉन्फ़िगर्ड होते हैं, और सर्वर्स वेब रिक्वेस्ट मिलने पर इन आईपी एड्रेसेस पे रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर सर्वर के ऊपर एक से ज्यादा आईपी एड्रेसेस कॉन्फ़िगर्ड हैं तो आप वेब सर्वर के ऊपर मल्टीपल वेबसाइट्स को होस्ट कर सकते हैं और ऐसी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं कि हर एक आईपी एड्रेस डिफरेंट वेबसाइट को रिस्पॉन्ड करे। यानी कि अगर आप दो वेबसाइट्स दो अलग अलग आईपी एड्रेसेस को असाइन करना चाहते हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, और वेब सर्वर एक आईपी एड्रेस के साथ एक वेबसाइट को रिस्पॉन्ड करेगा और दूसरे आईपी एड्रेस के साथ दूसरी वेबसाइट को रिस्पॉन्ड करेगा। इसी के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटर्स एक और टाइप की सेटिंग्स भी कर सकते हैं जो कि बाय डिफॉल्ट भी होती है, कि वो अनअसाइंड ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा करने से वेब सर्वर के ऊपर जो वेबसाइट है वो किसी भी अवेलेबल आईपी एड्रेस को यूज कर लेगी जिसके साथ कोई पोर्ट या प्रोटोकॉल बाइंडिंग्स ना हो। तो कुछ बातें आपको मेरी समझ नहीं आ रही होंगी, वो आपको तब समझ आएंगी जब हम इसका प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे और देखेंगे कि ये सेटिंग्स कहाँ पे होती हैं। आईपी एड्रेस से अगली सेटिंग है पोर्ट सेटिंग। साइट बाइंडिंग्स में एडमिनिस्ट्रेटर्स ये स्पेसिफाई कर सकते हैं कि वेब सर्वर्स वेब से रिलेटेड रिक्वेस्ट को किस TCP पोर्ट पे लिसन करेंगे और उसका रिस्पॉन्स देंगे, यानी कि वेब से रिलेटेड रिक्वेस्ट कौन से TCP पोर्ट पे आ सकती हैं। तो बाय डिफॉल्ट HTTP जो पोर्ट नंबर यूज करता है वो है पोर्ट नंबर 80, और इसी तरीके से जो HTTPS पोर्ट नंबर यूज करता है वो है 443। लेकिन अगर एडमिनिस्ट्रेटर्स चाहें तो वेब सर्वर किस पोर्ट एड्रेस पे रिस्पॉन्ड करेगा ये चेंज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होने के केस में यूजर्स को आईपी एड्रेस या URL के साथ पोर्ट नंबर स्पेसिफाई करना होगा। जैसे कि मान लीजिए वेब एडमिनिस्ट्रेटर्स वेबसाइट की बाइंडिंग पोर्ट नंबर 5000 से करते हैं, तो सभी यूजर्स को जो इस वेबसाइट को एक्सेस करना चाहते हैं उन्हें वेबसाइट के साथ पोर्ट नंबर 5000 ऐड करना पड़ेगा। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि अगर आप URL एड्रेस http://www.king.jst को पोर्ट नंबर 5000 पे एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको कॉलन लगा के उसके साथ 5000 ऐड करना पड़ेगा, तभी आप इस वेबसाइट को एक्सेस कर पाएंगे। ऐसा आप सिक्योरिटी रीजन से कर सकते हैं, और पोर्ट नंबर्स हमारे पास 1 से लेके 65,535 तक अवेलेबल हैं। साइट बाइंडिंग्स में जो हम एक और सेटिंग कर सकते हैं वो होस्ट नेम है। होस्ट नेम एक ऐसी सेटिंग है जिसे यूज करके आप एक ही प्रोटोकॉल टाइप, एक ही आईपी एड्रेस और एक ही पोर्ट नंबर को यूज करके भी अपने यूजर्स को मल्टीपल वेबसाइट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी कि एक से ज्यादा वेबसाइट्स
जो वेब सर्वर पर होस्टेड हैं, वो सेम प्रोटोकॉल टाइप को यूज करके, सेम आईपी एड्रेस को यूज करके और सेम पोर्ट नंबर को यूज करके भी यूजर्स को अवेलेबल हो सकती हैं। ऐसा पॉसिबल बनाने के लिए हमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, और ये मेथड वर्क करता है जब वेब सर्वर HTTP रिक्वेस्ट रिसीव करता है तो वो उसके हेडर में जो इन्फॉर्मेशन स्टोर है वो उस रिक्वेस्ट को इंटरप्रेट करता है और साइट एडमिनिस्ट्रेटर्स को DNS में एक ही आईपी एड्रेस के ऊपर मल्टीपल डोमेन नेम्स की एंट्री करनी पड़ती है, और इसी डोमेन नेम इन्फॉर्मेशन को यूज करके वेब सर्वर ये पता लगाता है कि कौन सी वेबसाइट को यूजर एक्सेस करना चाहता है और किसके साथ कनेक्ट होना चाहता है, और फिर यूजर को उस साइट के साथ कनेक्ट होने में हेल्प करता है। तो इस वीडियो में हमने वेबसाइट्स और साइट बाइंडिंग्स के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ली। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।